आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि साइंस का तैयारी किस प्रकार से करें। वो बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं और उनका यह प्रॉब्लम रहता है कि अब साइंस का जितना भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज बढ़ चुका है। तो साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो खासकर हम उन स्टूडेंटों के लिए बता रहे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या फिर रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसा कि NTPC का भी एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत सारे NTPC दे चुके हैं, लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही जल्द होगा उसका एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा और उसमें साइंस का जो वेटेज रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, लगभग 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम रहता है कि वह साइंस किस टॉपिक से पढ़ तो बहुत सारा चीज लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय वो उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनका साइंस सब्जेक्ट खराब हो जाता है। तो आप लोगों को, जैसा कि जानते होंगे कि NCERT का बुक आप लोग अपने क्लास में पढ़े होंगे, तो यह NCERT बुक के ही बारे में आप लोगों को बताएंगे कि अगर यह बुक आप लोगों के पास है या फिर नहीं है तो आप लोग यह बुक आप लोग मार्केट से लीजिए, और यदि ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो उसमें यह बुक आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का 25 क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और आप लोगों का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यह बुक, यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी स्टूडेंट का साइंस से प्रॉब्लम रहता है उसको हम किस प्रकार से दूर करें। चलिए आज आप लोगों को हम बताते हैं कि NCERT का यदि साइंस बुक पढ़ते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कहाँ तक तैयारी होगा और इसका क्या फ़ायदा है। तो हम लोग समझते हैं कि NCERT बुक पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो थोड़ा बेसिक तो दूसरे बुक से पढ़े ही होंगे, लेकिन अब मेन रूप है कि पूरा तैयारी किस प्रकार से किया जाए साइंस का 25 क्वेश्चन का। खासकर रेलवे में तो 25 क्वेश्चन साइंस का रहते हैं, उसके लिए हम आज इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बुक पढ़े हैं उससे ये नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार NCERT बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, PPSC का हो या फिर चाहे वो UPSC का ही क्यों ना हो, तो आप लोग टॉपर का इंटरव्यू देखते होंगे तो वो बताते होंगे कि NCERT का बुक उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसीलिए आप लोग यदि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे का, तो उसमें भी आप लोग का NCERT का जो बुक है साइंस का वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देखिएगा, अगर इसका कंपेयर कीजिएगा किसी भी ग्रुप डी का जो सेट होगा उसमें 80-90% से एवं क्वेश्चन जो रहता है वो बुक से डायरेक्ट लाइन टू लाइन मिल जाता है बिना उसका लैंग्वेज चेंज किए हुए, और 10% ऐसा क्वेश्चन रहता है तो वो बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट डाला हुआ रहता है। तो इसी बुक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग यदि रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को एक बार NCERT का बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए, और यह बुक आप लोगों को बहुत ही कम समय में अच्छे तैयारी तक करवा देगा। लगभग यदि आप लोग 2 मंथ तक या फिर 1 मंथ भी अगर एक एक लेसन डेली पढ़ते हैं तो आप लोगों का यह बुक कम्प्लीट हो जाएगा। और यह बुक आपको किस क्लास से तैयार करना है ये आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो यह बुक जो आप लोगों को साइंस का पढ़ना है वो क्लास 9th और क्लास 10th का पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि क्लास 9th में कितना चैप्टर और क्लास 10th में कितना चैप्टर है। तो देख सकते हैं NCERT बुक है यह, और NCERT में टोटल 15 लेसन है। तो आप लोग पहले से भी बहुत तैयारी इसका कर चुके होंगे, कॉन्सेप्ट ले चुके होंगे, तो आप लोग आराम से इसका एक लेसन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इसमें टोटल 245 पेज है और एक लेसन में लगभग दिया गया 15 पेज दिया गया, तो एक लेसन का 15 पेज तो आप लोग आराम से ही पढ़ सकते हैं। और यह बुक पढ़ने से यह फ़ायदा है कि अगर यह बुक आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को ज़्यादा चीज़ रिविज़न करने का जरूरत नहीं है, और वही चीज़ आप लोग पढ़िएगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसका NCERT पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग अगर NCERT बुक पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में देने के लिए बैठते हैं तो आप लोगों को ये फील आएगा कि यह क्वेश्चन हमने बहुत पहले बार, बहुत NCERT बुक जब पढ़ा था तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे देखते होंगे कि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जैसे कि आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि कोई टॉपिक दिया हुआ, बीच बीच में क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो इससे क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो कम दिया गया लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कॉम्पिटेटिव 1 डे एग्जाम साइंस के लिए। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा बात यह कि एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ रहता है, जैसे देख सकते हैं कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। और दूसरा बात, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, जैसे दूसरा चैप्टर का हम लोग पलट रहे हैं इसका, तो देख सकते हैं कि दूसरा चैप्टर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि अनुप्रयोग लिखा गया, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में अशुद्ध
क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, मतलब इस तरह से टाइट क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यह तो था आप लोग का 9th क्लास का चैप्टर साइंस का बुक। तो अब आप लोग को बताते हैं 10th NCERT में जो साइंस में उसमें कितना चैप्टर है और इससे भी आप कितना देर में तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें चैप्टर, यदि हम इसमें देखें तो चैप्टर इसमें टोटल लेसन जो दिया गया है, यहाँ पे पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से स्टार्ट किया गया, इसमें भी टोटल 16 लेसन है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जो बोले पर डे 1 लेसन तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, और बोले थे अप्रॉक्स जो दिया गया पर लेसन 15 पेज दिया गया, इसमें देखिए 18 पेज दिया गया, मतलब अप्रॉक्स किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो एवरेज निकालिएगा तो पर चैप्टर 15 पेज है, और 15 पेज आप लोग 2 से 2 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह था आज का मुख्य टॉपिक, और आप लोग यदि NCERT बुक नहीं पढ़े तो हमारा यह रहेगा कि आप लोग एक बार NCERT बुक ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में जब देने के लिए बैठे तो आप लोग को यह फील आए कि यह क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यह बुक का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि यह बुक आप लोगों को पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है साइंस का, जो कि खान सर का एक बुक है और एस के झा सर का बुक है, वो बुक देख सकते हैं, और उस दोनों बुक में आप लोगों को जो अच्छा लगे वह उस बुक का आप लोग एक बार रीडिंग करके इसे बुक पढ़ सकते, लेकिन एक बार आप लोग NCERT का बुक ज़रूर पढ़ें।